और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, ये खबर है जनपद कानपुर देहात से, जहां स्वास्थ्य विभाग से जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एमके जतारिया ने न्यूज उत्तर प्रदेश को प्रेस वार्ता में बताया कि कोविशील्ड टीका की पहली खुराक जिन्होंने ली है, अब दूसरी खुराक उनको 84 दिन बाद ये टीका लगाया जाएगा। जिनके भी रजिस्ट्रेशन हैं वो अपने अपने रजिस्टर में तारीखें सुधार लें। यह निर्णय लिया गया है भारत सरकार के तकनीकी स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा। ऐसा आदेश जनपद कानपुर देहात में आने पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एमके जतारिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिनको कोविशील्ड का टीका लग चुका पहला, वो दूसरा टीका 84 दिन बाद लगेगा और वो अपने अपने कागजों को, पर्चों को दुरुस्त कर लें। आइए देखते हैं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। जहाँ लोग आते हैं और वो परेशान होते हैं, बताया था किसी को 84 दिन बाद लगेगी, किसी को 4 से 6 हफ्ते बाद लगेगी, ये क्या डिफरेंस है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे, क्या शासन आदेश? हमारे जनपद में दो प्रकार की वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। ये दोनों प्रकार की जो वैक्सीन है वो सब लोगों को लगाई जा रही हैं। और इस समय जैसा कि आप जान रहे हो कि कई बार कुछ चीज़ें शासनादेश के अनुसार बदल जाती हैं और इस पर लगातार शासन से भी निर्देश मिल रहे हैं। तो जैसा कि पहले निर्देश आया था कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको हमें 6 से 8 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लगनी है। अब ये निर्देश आ गया है कि दूसरी डोज जो रहेगी वो हमारी 12 से 16 सप्ताह पे रहेगी, लगभग 84 दिन की बात है। तो जो दूसरी डोज रहेगी वो 84 दिन के बाद ही लगेगी, तभी आपका वैक्सीनेशन पूरा माना जाएगा। कोवैक्सीन जो वैक्सीन है जो पहले से लग रही थी उसके समय में कोई अंतर नहीं किया गया है, वो 28 दिन के बाद ही लगेगी, ये चीज़ शासन ने अभी बताई है। तो व्यक्ति अपने आप में जो कार्ड पे तारीख पड़ी हुई है वो 84 दिन बाद अपने जोड़ करके आ जाए जी, जो उसको तारीख मिली है जो सेंटर से दी गई है उसमें जब उसको पहले डोज लगी थी उसके बाद 84 दिन पूरे होने की तारीख वो जोड़ ले, उसके बाद ही आए। और इतवार के दिन छोड़कर बाकी जो हमारे पीएससी और सीएससी लेवल पर हैं, जो ब्लॉक स्तर पर चिकित्सालय हैं वहाँ पर प्रतिदिन लग रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रतिदिन लग रही है, तो ये लोग आ सकते हैं। 18+ क्या वैक्सीन अपने यहाँ अवेलेबल हो गई है? जैसा कि सब जगह चर्चा है 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए, तो अभी हमारा जनपद में इस जनपद चयनित नहीं है, और जैसे ही ये 18+ के लिए हमारा जनपद चयनित होगा उसमें आप लोगों को तत्काल अवगत करा दिया जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और है कि आप अपनी जनता से वैक्सीन के लेकर के क्या कहना चाहते हैं? गांव के लोग तमाम भ्रमित हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आप उन्हें जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा समस्त जनपद के जनपद वासियों से मेरी अपील है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन ही एक इसका सुरक्षित माध्यम है। आगे आने वाले समय को देखते हुए वैक्सीनेशन कराना चाहिए और जितने लोग भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं वो सुरक्षित हो रहे हैं, और किसी जो भी आयु वर्ग के हैं इसमें कोई परेशानी नहीं है। किसी भी तरह से परेशानी में अगर जैसे कभी हल्का सा बुखार आ गया है या बदन में दर्द है, वो एक दो दिन रहने के बाद वो स्वतः ही ख़त्म हो जाता है। इस वैक्सीन को किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए? इस वैक्सीन के लिए जो जिन लोगों को मनाही की गई है उसमें खास तौर पर गर्भवती महिलाएं हैं, उनको नहीं लगाना है। अभी 18 से नीचे के जो लोग हैं उनको नहीं, या बच्चों को कह लें उनको नहीं लगनी है। तथा ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में हैं, जिनको लगातार चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता रहती है और बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उन लोग को ये वैक्सीन अभी नहीं लगाई जाएगी।